तो लीजिए, सबसे पहले मैं नहा धोवा कर देखिए यहाँ पर भगवान का पूजा कर ली, तो ये सीन आपको काठमांडू का मिलेगा। तो चलिए, पूजा करने के बाद डायरेक्ट हम लोग लंच करते हैं। तो लंच में आपको हो गया चावल, राजमा, आलू परवल का सब्जी, चटनी और साग है। उसके बाद यहाँ पर सलाद है, सूखा पापड़ है और दही भी है। देखिए पहले इन लोगों को खाना दे दिया, सभी लोग खाना खा लिए, लास्ट में मैं भी खा ली। और खाना खाने के बाद चलिए देखिए मेरा प्लेट है, मैं खा रही हूँ। तो मैंने जल्दीबाजी में लंच का वीडियो आप लोग पास नहीं शेयर किया। दोस्तों अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए आज हम कहाँ चल रहे हैं, फिर निकल रहे हैं घर से। तो चलिए कहाँ जाते हैं, जो जो मैं करूँगी आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए, तो खाना उना खाने के बाद हम तीनों यहाँ से निकल गए, हम दोनों आदमी और मेरा बउआ है। तो देखिए सब कहाँ जा रहा है। देखिए जहाँ हमको आना था वहाँ पर आ गए। ये डेंटल क्लिनिक है, यहीं पर मेरी बेटी जॉब करती है। लेकिन मेरी बेटी बोली थी कि प्लीज़ मम्मा मेरा वीडियो नहीं आप लोग बनाइएगा, क्लिनिक का भी वीडियो नहीं बनाइएगा। फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही, बउआ को भी दाँत का स्केलिंग करना था, तो बउआ का वीडियो तो लेने ही नहीं दिया। हमको पहले ही डांट दिया था कि मम्मी प्लीज़ मेरा वीडियो नहीं बनाइएगा। और देखिए मेरा दांत का भी स्केलिंग मेरी बेटी कर रही है। उससे ना दांत में हम लोग को कुछ था भी नहीं, बुआ को भी कुछ नहीं था, लेकिन बुआ को बाहर जाना है, इसलिए मेरी बेटी बोली थी कि भैया एक बार आइएगा आपका दांत हम चेक कर देंगे। तो बुआ को बाहर जाना है, इसलिए मेरा बेटा बोला कि चलिए मम्मी टाइम नहीं, आज ही हम लोग चलते हैं क्लिनिक। खेत डॉक्टर प्रेरणा मेरा दांत का काम कर रही थी, तब तक ना बउआ को और सामान वगैरह लेना है, कहा कि बाहर जाना था। तो बउआ मॉल वगैरह भी गया था, लेकिन वीडियो कौन बनाएगा, मैं नहीं रहूँगी। सामान वामान लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ आंगन में गए, कहा कि मिठाई वगैरह भी लेना था। उसके बाद ये दोनों आदमी कुछ खाए भी, मेरा तो दांत का स्केलिंग हुआ था तो हम नहीं खाए। लेकिन मैं चुपके से इन लोगों का थोड़ा सा वीडियो लेकर है कि मेरा बेटा देख लेता तो बहुत गुस्साने लगता, कहता प्लीज़ मम्मी नहीं बनाइए ना। तो वही डोसा और मोमो ये लोग खाए, उसके बाद हम लोग जल्दी से घर आ गए। तो देखिए मैं इसमें ढेर सारा मिठाई लेकर आई, तो ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, काजू का बर्फी है और उसके बाद रस भरी है, उजला मिठाई जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद एक तो ब्रेड भी ले लिए अभी नाश्ता उस्ता करने के लिए सबको घर में। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, उसके बाद कल फिर और वीडियो दिखाऊँगी कि काहे में इतना मिठाई ली। तो एक एक के जी का ये दो ठो काजू का बर्फी है, और इसमें है एक ठो और काजू का बर्फी छोटा सा डिब्बा, उसके बाद उसमें जो पैक है उसमें उजला वाला मिठाई है। अपन हम लोग सास ससुर के लिए भी कुछ पैक करवा कर लाए थे, क्योंकि घर में दो ही आदमी थे, तो चलिए अब उनको दे देते हैं। चलिए हम आ गए, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय बाय।